स्वागत है दोस्तों आप सभी को तेकीराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सैमसंग A10s या फिर किसी भी सैमसंग मोबाइल पर आप नोटिफिकेशन सेटिंग और यहां पर दोस्तों इनेबल डिसेबल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पे मैं आपको कंप्लीट सेटिंग यहां पर करके बताने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप जो है अपने सैमसंग के मोबाइल पर नोटिफिकेशन सेटिंग करना चाहते हैं और दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं यहाँ पर क्या क्या आपको नोटिफिकेशन सेटिंग करने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर क्या क्या इनेबल और डिसेबल बटन दिया गया है, ठीक है, यह सब जानने के लिए दोस्तों आपको सिंपली जो है वीडियो को यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लेना है ताकि दोस्तों आपको कंप्लीट प्रोसेस और कंप्लीट सेटिंग यहाँ पर पता लग सके, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपका जो यहाँ पर जो वीडियो है उसको पूरा देख लेना है। तो यदि आप जानना चाह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेटिंग कैसे करना है तो आप दोस्तों यहाँ पर वीडियो के साथ बने रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक चेकआउट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आइए हम वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यदि आप जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग करना चाहते हैं तो आप जाइए अपना फ़ोन के डिफॉल्ट सेटिंग पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है तो उसके ऊपर में टैप कीजिए, ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, नोटिफिकेशन ऐप आइकॉन बैच। तो आप यहाँ पर दोस्तों इसको भी इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर कर सकते, ठीक है, ऐप आइकॉन बैच। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर इनेबल डिसेबल करने का बटन मिल जाते हैं। तो यदि दोस्तों आप यहाँ पर, ठीक है, किसी का भी यहाँ पर आप नोटिफिकेशन बैच डिसेबल करना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, इस बटन को यहाँ पर क्लिक करके। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब का आपको यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्टेटस बार मिल जाता है, ठीक है, शो नोटिफिकेशन आइकॉन ऊपर में दोस्तों नोटिफिकेशन आइकॉन शो करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन थ्री रिसेंट नोटिफिकेशन, ठीक है, पहले इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका है लेकिन दोस्तों फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये थ्री रिसेंट नोटिफिकेशन मतलब दोस्तों आप ऊपर में थ्री रिसेंट नोटिफिकेशन आइकॉन आप देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर में। तो इसीलिए दोस्तों ये ऑप्शन दिया गया, यदि ऑल करते हैं तो आपको यहाँ पर दोस्तों और सारे नजर आ जाएगा, ठीक है, यदि आपके पास और भी नोटिफिकेशन है तो इसके लिए दोस्तों ये ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आपका शो बैटरी परसेंटेज, ठीक है, तो ये सब नोटिफिकेशन सेटिंग आपको करने को मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और सेटिंग बता देता हूँ नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप साउंड वाइब्रेशन का कुछ भी नोटिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाते हैं। उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग आते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन सेटिंग जो है मैं आपको वो भी शो करके बताने वाला हूँ। ऐप्स में जाइए, ऐप्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी एक एप्लीकेशन ले लीजिए, ठीक है, या जैसे कि अमेज़ॉन का हो गया तो अमेज़ॉन पे दोस्तों जाके हम देखते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन का सेटिंग। तो यहाँ पर जाइए नोटिफिकेशन पर, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का जो सेटिंग है उसको डिसेबल इनेबल डिसेबल करने का आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप कुछ भी सेटिंग्स करना चाहते हैं नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पर और किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप डिसेबल करना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल है, ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर आके यह सेटिंग को करना होगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और सेटिंग जो है नोटिफिकेशन का नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर सेटिंग था नोटिफिकेशन का मैंने आपको शो कर दिया है। यदि कोई एप्लीकेशन जैसे कि फेसबुक वगैरह आप नोटिफिकेशन यहाँ पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो अलग से देखना होगा क्योंकि दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल के ऊपर में बना रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फेसबुक या फिर कुछ भी इंस्टाग्राम वगैरह का नोटिफिकेशन सेटिंग यहाँ पर आपको करके नहीं बताने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जो नोटिफिकेशन इनेबल डिसेबल करने को बताया वो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आपको यदि व्हाट्सएप से यहाँ पर दोस्तों मान लो व्हाट्सएप से आपको मैसेज आया, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर आप इनेबल डिसेबल फोन पे कैसे कर सकते हैं यही मैंने आपको शो किया है। तो यदि आप करना चाहते हैं तो आप इसी प्रोसेस को यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको जो वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।